ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल कैप्टन एरन फिंच ने कल अनाउंस किया कि वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के बाद एरन फिंच हमें कभी भी ओडीएस में दिखाई नहीं देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे क्रिकेटर्स जो ऑस्ट्रेलियन टीम को लीड कर सकते हैं इन दी ओडीआईज। गाइस ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, आप वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पेट कमिंस, लास्ट ईयर टिम पेन स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी, उसके बाद पेट कमिंस को कैप्टन बनाया गया इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। उनकी कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया ने एशेज अपने नाम की, फिर पाकिस्तान को हराया। ऐसा नहीं है कि कैप्टनसी की वजह से उनके परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, बल्कि वो तो और निखर कर आए। ही वॉज द हाइएस्ट विकेट टेकर इन द एशेज, ही इज आर्ग्युएबली अमंग द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट्स, और वो वनडे टीम के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की अगले ओडीआई कैप्टन पेट कमिंस हो तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। एलेक्स कैरी, ही इज द कांस्टेंट फिगर इन ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर सेटअप, ऑस्ट्रेलिया को कई बड़े मैचेस में ये जीत दिला चुके हैं। लास्ट ईयर एरन फिंच की एब्सेंस में इन्हें कैप्टनसी करने का मौका मिला वर्सेस वेस्ट इंडीज, ही ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स और वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की थी। हमने बात की पेट कमिंस की, पेट कमिंस को ओडीआई में रेस्ट भी दिया जाता है ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट, तो इसके चलते एलेक्स कैरी इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ, ही वाज ऑस्ट्रेलियाज ऑल फॉर्मेट कैप्टन अंटिल द बॉल टैम्परिंग सागा टुक प्लेस, बट अभी उस इंसिडेंट को काफी समय बीत चुका है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी इस बात से मूव ऑन कर चुका है। टेस्ट मैचेस में उन्हें ऑस्ट्रेलिया का वाइस कैप्टन भी बनाया गया। एशेज के सेकंड टेस्ट मैच में उन्हें कैप्टनसी करने का मौका भी मिला जब पेट कमिंस बाहर हुए थे ड्यू टू कोविड। अगर स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी की बात करें तो हम उनकी कैप्टनसी पर सवाल नहीं उठा सकते, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से सोच विचार कर सकता है स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाने के लिए। डेविड वार्नर, इनकी जितनी तारीफ करें उतना कम, ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में ये खूब सारे रन्स बना चुके हैं। अगर इनकी कैप्टनसी की बात करें तो वो हम आईपीएल में देख चुके हैं, 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद को पहली बार इन्होंने आईपीएल का टाइटल जितवाया था। वार्नर इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स इन द ऑस्ट्रेलियन सेटअप एंड हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन लीडिंग अ साइड। अगले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप को देखते हुए वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतरीन ओडीआई कैप्टन हो सकते हैं। क्लेन मैक्सवेल, ही हैज बीन अ कांस्टेंट फिगर इन ऑस्ट्रेलियाज लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, कैप्टनसी का इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बीबीएल में ये मेलबर्न स्टार्स की कैप्टनसी करते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में भी ये कैप्टनसी कर चुके हैं। ही इज आर्ग्युएबली अमंग द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वनडे कैप्टनसी को लेकर इन पर भी सोच विचार कर सकता है। तो ये थे वो पांच क्रिकेटर्स जो हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को लीड कर सकते हैं इन दी ओडीआईज। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में किसी और का नाम होना चाहिए था तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया ना तो गाइस एक बार होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।